केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। चुनाव का दौर फिर से शुरू हो चुका है। हमारी टीम पहुंची है भागलपुर, जहां से पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 से खुशबू कुमारी से हमारी बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है उनसे। फिर से चुनावी दौर शुरू हो चुका है, फिर से जितनी भी गलियारी होंगे हलचल शुरू हो चुकी है। जहाँ से खुशबू कुमारी से हमारी बातचीत हुई है, आप भी देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओमकार झा। अब बिहार में नगर निगम का चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा इसी मंथ हो जानी है और प्रत्याशी अपना अब चुनाव प्रचार में लग जाएंगे और सहमत का खेल एक दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी पूरी टीम भागलपुर में वार्ड नंबर 29 में जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं खुशबू देवी, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उनसे ही जानते हैं कि इनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा और इस बार जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। धन्यवाद आप लोग का। मैं आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा? मैं पिछला कार्यकाल भी मेरे जितना मतलब कोशिश किए थे वो उस अनुसार से ठीक ही रहा जी। हमारा 2 साल तो ये कोरोना के कारण काम रुक गया था जी, फिर भी 3 साल के अंदर हमने काफ़ी कार्य किए जी। 20 साल से जो रोड नाला एकदम जर्जर अवस्था में था उसे हमने बनाया। आपके द्वारा कितनी सड़कें बनाई गई होंगी? लगभग हमारे द्वारा लगभग 11 से 12 सड़कें बनाई गई है। और क्या क्या काम हुआ है? और पार्क वगैरह भी जो हाउसिंग बोर्ड में जगह है जी, तो लगभग हम 1 से 8 तक पार्क का भी वो कर दिए थे, पास करवा दिए गए जी। अब ये इसमें जब तक कार्य अब स्टार्ट होता, टेंडर में भी चला ही गया था जी, तो ये नगर एक्ट पे चेंज होने के कारण ये काम हमारा रुक गया, जो कि अब वन विभाग में चला गया है जी। मैं चाहूँगी कि जीतने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले काम मेरा ये रहेगा कि मैं बरारी हाउसिंग बोर्ड में कम से कम 8 जब मैंने पास किया है, कम से कम 4-5 पार्क में अपने तरफ से जरूर बनवाऊँ। चलिए, पिछले कार्यकाल में सड़क नाला आपके द्वारा बनाए गए, पानी का पियाऊ कितना होगा? हमारे वार्ड में 3 पियाऊ बना। 3 पियाऊ आवास सेंक्शन? आवास ये भी लगभग 16 पेंशन? पेंशन का तो लगभग जब स्टार्टिंग 17 में जब नगर निगम से था तो उस समय हम 34 को बनवाए थे। उसके बाद अगर हम उसके बाद जब अंचल चला गया तो इसमें काफ़ी मतलब लेट होने लगा, जिसके कारण फिर ये लास्ट ईयर में मतलब लेट हो रहा था तो बहुत कम ही बना जी। जनता को अगर हम जंगल स्कूल भेजते थे तो वहाँ पर से उन लोग को पूरा घुमा फिरा के फिर मेरे पास ही वापस उन लोग को आना पड़ता था। तो फिर इसमें हम दीपावली जो था ये 21 में, तो उस समय से हम एक लड़का को बैठाएं जो क्या वो मतलब ऑनलाइन यहाँ से ही डायरेक्ट वो करना स्टार्ट किया, तो वो अंचल में जाके जमा करता था, फिर पेपर भी लाके दे रहा था, तो ये सब मैं उसको कुछ अपने कितना तरफ से बैठाएं। कितना पास हुआ होगा लगभग? वो भी मतलब वोटर आई कार्ड, ये पेंशन कार्ड, ये 60 वर्षा जो है विधवा सब मिलाकर ये टोटल मिलाकर हमको लगता है 250 हम करवा। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कोई काम? आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह? आंगनबाड़ी केंद्र भी एक में जो था क्या सहायिका डेट कर गई थी, सेविका सहायिका दोनों डेट कर गई थी, तो उसमें भी हम न्यू चयनित। चलिए, उसमें कोई आंगनबाड़ी केंद्र नया बना हो? नहीं, अप्लाई हम कर चुके। अप्लाई की? चलिए, इसके अलावा अभी वर्तमान में क्या समस्या है वार्ड 29 की? अभी वर्तमान में हम चाह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये वार्ड 29 जो है काफ़ी संख्या बड़ा है यहाँ पे, तो आंगनबाड़ी केंद्र मात्र 3 है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और एक केंद्र में मात्र 40 बच्चा को ही लिया जाता है, तो हम मेरा था कि कम से कम 2 और रहे, तो इसके लिए हम आवेदन दे चुके हैं। अब हम लोग का जो टाइमिंग है वो होना चाहिए। 3 पियाऊ के साथ एक जल मीनार का भी हमने करवाया था ये हाउसिंग बोर्ड में, जो कि 19 में ही पास होके बैठा हुआ था, फिर नहीं हो रहा था, फिर इधर ज़्यादा जोर देने के बाद अब जो है वो चालू हो गया है। बहुत अच्छी बात। सबदा बिजली चूल्हा जो है सबदागिरी, ये तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था जी। इसमें हमारा पूरा एकदम लगन रहा, ये समय श्याम बिहारी मीना नगर आयुक्त महोदय थे, उनके पास बार बार हम रिक्वेस्ट जाके किए कि बिजली चूल्हा जब ये जगह रहते हुए बंद क्यों पड़ा हुआ है, तो फिर बार बार आवेदन करने के बाद बिजली चूल्हा बन भी गया, रेडी हो गया। और संजोग देखिए, जब वो रेडी बन के रेडी हो गया तभी ये कोरोना अपना कोरोना आ गया,
जिसके कारण अगर ये बिजली चूल्हा नहीं बना होता तो और भी काफी मतलब जो नहीं कर पाए जिसका मलाल है और इस बार जीतने के बाद आप करेंगे। काफी रोड नाला बच गया है, ये है लगभग हमको लगता है कि 3 से 4 हमारे दिमाग में है जो वो छूट गया है, तो उसमें से 2 जो है एक हमारे आवास के सामने जो डोमासी जो स्टार्ट है ये वाला टेंडर में चला गया, 10 से 15 दिन में इसमें हाथ लग जाएगा जी। दूसरा हमारा ये हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 6 में है जो कि टेंडर में ये भी चला गया है, तो इसमें भी कल भी हमने बात किया तो इसमें भी बोल रहा है कि मैडम आपके चुनाव के पहले ही हो जाएगा, तो इसमें आप 2 महीना और बच जाएगा, आपके चुनाव के पहले ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये और क्या क्या काम हो सकता है? फिलहाल तो लगभग जितना काम था बिजली पोल लगाने का वो टोटली कर दिए हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा फिर से? वो तो जनता के हाथ में है ना, हम तो अपने तरफ से मतलब वो है कि मेरे तरफ से सारा काम हुआ है। आप अपने वार्ड की जनता को संदेश क्या देना चाहती हैं? हम अपने वार्ड की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं जो भी काम मेरे तरफ से छूटा हुआ है, क्योंकि हमको तो सबको देखना है ना, कोई भी जनता है तो उनको सिर्फ आपकी समस्या है, हमको तो सारा सबका समस्या सुनना है ना, जो भी काम बचा हुआ है तो वो मैं आगे करूँगी। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी, वार्ड 29। निवर्तमान पार्षद जी। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।